आइए सबसे प्रथम बात करते हैं मेष राशि से शुरू करते हैं। आज मेष राशि वाले लोगों के लिए थोड़ी माइग्रेन की समस्या रह सकती है। आज के दिन आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर के संभल करके रहना चाहिए, क्योंकि माइग्रेन वाली समस्या आज आपको बढ़ सकती है। किसी चीज की चिंता आपको बहुत परेशान करेगी, इस कारण आपका सिर दर्द हो सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ राशि वाले। आज किसी नए व्यक्ति से आपकी बात की शुरुआत होगी, उन पर आपका आकर्षण आएगा। ऐसे में शुरू में ही उत्तेजित होने से बचें और उनके साथ सब कुछ साझा ना करें, अन्यथा आपकी बात बिगड़ सकती है। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिथुन राशि वाले लोग। मिथुन राशि के जातकों को यदि आप छात्र छात्राएं हैं तो कॉलेज में किसी दोस्त के द्वारा भ्रमित किया जा सकता है और भ्रमित करने का प्रयास किया जा सकता है, इसलिए आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है और अपनी पढ़ाई पर विशेष रूप से ध्यान देना है। वहीं व्यापारियों को बहुत लाभ स्थिति बनती है। और अब बात करते हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। कर्क राशि के जातकों को वैवाहिक लोगों, यदि वैवाहिक आप हैं तो ऐसे में आपका जीवन सुखमय रहेगा। पार्टनर का भरपूर आज आपको साथ और सहयोग मिलेगा। माता पिता का आशीर्वाद आप पर आज बना रहेगा और किसी प्रकार की कोई समस्या आज आपको नहीं आएगी। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंह राशि वाले। आज के दिन आप अपने भाई या बहन के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि शुरुआत में उन्हें कोई छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी बात परेशान कर सकती है, लेकिन ध्यान नहीं देने के कारण बड़ी बीमारी में आपकी समस्या बदल सकती है। और अब बात करते हैं कन्या राशि वाले लोगों की। यदि विवाह को कुछ ही वर्ष का समय बीता है तो पत्नी के साथ बना करके चले, नहीं तो प्यारे परेशानी खड़ी हो सकती है। आज के दिन आपकी पत्नी किसी बात को लेकर के आपसे निराश रह सकती है। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला राशि वाले लोगों की। तुला राशि के जातकों को विवाह की प्रतीक्षा में यदि आप हैं तो घर वाले रिश्ता ढूंढ रहे हैं, तो आज के दिन उसमें रुचि लें, क्योंकि कुछ अच्छे रिश्ते आपके लिए आएंगे। किंतु यदि आपने ध्यान नहीं दिया है तो हाथ से निकल भी सकते हैं, जिसका पछतावा बाद में आपको करना पड़ सकता है। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले। वृश्चिक राशि वाले जातकों को आज के दिन पहले से ही सावधान रहने की सलाह देते हैं, क्योंकि किसी भी चीज को ज्यादा तूल ना दें, आज आपको नुकसान होने की स्थिति बनती है। निजी नौकरी कर रहे लोगों को काम का बोझ अपेक्षाकृत कम रहेगा और आराम करने को ज्यादा मिलेगा। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनु राशि वाले लोग। यदि आप बच्चे आपके स्कूल में हैं तो उनके किसी काम से खुशी मिलेगी आपको और आप उनके लिए कुछ स्पेशल करने का प्रयास भी आज कर सकते हैं। परिवार का माहौल सामान्य रहेगा, लेकिन शाम के समय कुछ अनहोनी घटित घटना हो सकती है। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मकर राशि वाले लोग। मकर राशि के जातकों को यदि हाल फिलहाल में नया बिजनेस शुरू किया है तो उसमें सफलता देखने को मिलेगी। बाजार में आपके कुछ नए दोस्त भी बन सकते हैं, जिससे आपको प्रसन्नता मिलेगी। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुंभ राशि वाले लोग। पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ रहे छात्र छात्राओं के लिए कुछ नया करने का सोचेंगे और नया करने को मिलेगा।
इसके लिए नए नए विचार भी मन में आएंगे। हालांकि कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले क्षमा कीजिए, अच्छे से विचार कर अवश्य कर लें, उसके बाद कोई निर्णय आप लें तो ठीक रहेगा। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मीन राशि वाले लोग। मीन राशि के जातकों को आज के दिन आपका किसी पारिवारिक फंक्शन या दोस्ती पार्टी में या अपने निजी समारोह में, सामाजिक कार्यक्रमों में जाना हो सकता है। वहां किसी के ऊपर आपका मन भी हो सकता है, मनी मन आप उससे आकर्षित होंगे और उनके साथ सकारात्मक बातचीत शुरू हो सकती है और यह बातचीत आगे चलकर प्रेम संबंधों में बदल सकती है। लेकिन अपनी वाणी पर और संयमता बरतें। यह है आज का हमारा अपना राशिफल। जी बिल्कुल पंडित जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुभ्रभात, शुभाशीष, जय श्री। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए भाग्यफल में इतना ही। आप देखते रहिए देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जी राजस्थान।